खिचड़ी को पका रही है उसकी करते हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में देश भर में आरक्षित सीटों में से आधे से भी ज्यादा पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन पिछले महीने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनावी नतीजों ने आरक्षित सीटों पर बीजेपी की चिंता को बढ़ा दिया है। दिल्ली बीजेपी ने पीएम मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक तरह का संकल्प लिया और इसी का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में एक साथ 25,000 लोग खिचड़ी खाकर नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लेंगे। बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा ने इस खिचड़ी कार्यक्रम का आयोजन किया है और बाबा साहब आंबेडकर के नाम पर कार्यक्रम का नाम भीम महासंगम रखा है। बीजेपी का यह दावा है कि 3 लाख दलित परिवारों के घर से दाल और चावल का दान मंगाकर आज 5,000 किलोग्राम खिचड़ी बनाई गई है और खिचड़ी खाने का कार्यक्रम शुरू भी हो चुका है। लोग कतार में बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी का यह दावा है कि 5,000 किलोग्राम खिचड़ी का वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये। आज से अगले करीब 3 हफ्ते तक बीजेपी कई बड़े चुनावी कार्यक्रम यूं ही करती नजर आएगी। ...2019 की ये खिचड़ी है, सब रस्ता खिचड़ी, क्या है ये? देखिए, ये आपने सही नाम दिया, जो असली है यही है कि समरसता खिचड़ी है। और इस समरसता में नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास है। तो इस सबका साथ सबका विकास में देश का आगे का संचालन होना चाहिए, न कि लोगों को बांट करके शासन करने में। आपको लग रहा है कि ये खिचड़ी जो है 2019 तक आपकी राजनीतिक खिचड़ी पक जाएगी? नहीं, हम लोग वो राजनीतिक खिचड़ी नहीं है ये। ये देखिए, यहाँ पे जमीन पे बैठे हुए इतने लोग हैं, ये मूलतः समरसता का भाव है, जिसको कई लोगों ने, मैं नाम नहीं लूंगा आज, उन लोगों ने हमारे देश से, कांग्रेस है, अन्य पार्टियां हैं, वो लोग उसको समाप्त कर दी। उस समरसता भाव को आज हम रामलीला मैदान से, उस रामलीला मैदान से स्थापित कर रहे हैं, जहां जयप्रकाश नारायण जी ने भी कभी एक बुलंद नारा दिया था। दलितों को इस खिचड़ी को खिलाया जा रहा है, लगभग 25,000 लोगों की व्यवस्था है, दलितों के लिए स्पेशली व्यवस्था करने की क्या जरूरत पड़ी आपको? नहीं नहीं नहीं, ये हमारा SC मोर्चा खिला रहा है और सबको खिला रहे हैं। खाने वालों की कोई विभेदीकरण नहीं है, खिचड़ी बनाई है SC मोर्चा ने। ये हमारा मोहनलाल गिहरा अध्यक्ष है, हमारा SC मोर्चा दिल्ली का, हमारा छोटा भाई, तो ये बनवाया इसने है। हम लोग खाने के लिए सबको बुलाए हैं। तो सियासी खिचड़ी आज दिल्ली में खाई जा रही है। इस खिचड़ी कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा ने किया है। खिचड़ी पक चुकी है, लोगों को परोसी जा रही है। क्या कुछ हो रहा है, जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी की ये रिपोर्ट देखिए। रामलीला मैदान में जो बीजेपी की चुनावी खिचड़ी बन रही है, देखिए आप, लगभग तैयार होने वाली है और मनोज तिवारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो साथ मिलके, जो सेफ है उनके साथ मिलके इस खिचड़ी को बनाने में लगे हुए हैं। उसमें तमाम तरह के तड़के लगाए जा रहे हैं। अब ये देखिए, धनिया लाया गया, धनिया का तड़का लगाया जाएगा। मनोज तिवारी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं और तमाम कैमरे लगे हुए हैं जो इसको कैद कर रहे हैं। तो खिचड़ी जो समरसता खिचड़ी जिसको नाम दिया गया, हालांकि ये 2019 की चुनावी खिचड़ी है, लगभग तैयार हो चुकी है। और अगर पीछे करें तो जनता भी, लोग भी आ चुके हैं। लोग लगभग 25,000 लोगों को एक साथ खिचड़ी खिलाने का टारगेट रखा गया है। ये खिचड़ी बीरबल की खिचड़ी नहीं है, ये खिचड़ी बीजेपी की खिचड़ी है, जो चुनावी खिचड़ी माना जा रहा है 2019 के चुनाव के लिहाज से। और इसमें तड़का लगाया जा चुका है, तमाम चावल दाल देखिए सब तरह से सब व्यवस्था हो चुकी है। बस अब थोड़ी देर में इंतजार है कि लगभग 6 ब्लॉक बनाए गए और 6 ब्लॉक में लगभग 25,000 लोगों को एक साथ खाना खिलाया जाएगा। तो ये तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, सुबह से खिचड़ी बन रही है। लगभग 12:30 का समय हो रहा है और 1 बजे के आसपास कहा जा रहा है कि खिचड़ी बनकर तैयार होगी और 1:30 बजे से जो लोग आए हैं दिल्ली भर से उनको ये खिचड़ी खिलाई जाएगी और बताई जाएगी खिचड़ी 2019 चुनाव में ये खिचड़ी बन पाती है बीजेपी की या नहीं बन पाती, या फिर खिचड़ी सरकार बनेगी, इस पर सब कुछ दारोमदार रहेगा। तो कुल मिला जुला के माहौल तैयार है और खिचड़ी भी तैयार है। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। तो बीजेपी ने दलितों को एक बार फिर से साधने की रणनीति बनाई है। खिचड़ी को मशहूर शेफ विष्णु मनोहर ने तैयार किया है। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, अलग अलग ब्लॉक्स बनाए गए हैं। जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी की यह रिपोर्ट भी देखते हैं। रामलीला मैदान में बीजेपी की समरसता खिचड़ी खाने के लिए दिल्ली भर से लोग पहुंच गए। आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि खिचड़ी पक रही है और दूसरी तरफ लोग भी तैयार हैं खिचड़ी खाने के लिए, लाइन लगी है। देखिए, एक तरफ से महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं,
तमाम लोग यहां से लेकर लगभग 6 ब्लॉक बनाए गए हैं। अलग अलग ब्लॉक में तमाम कार्यकर्ता और जो लोग आए हैं वो बैठ गए हैं और इंतजार कर रहे हैं खिचड़ी जल्दी से तैयार हो और खिचड़ी ये लोग खाएं, जो समरसता खिचड़ी जिसका नाम दिया जा रहा है। 2019 चुनाव से पहले बीजेपी की जो खिचड़ी है ये पक रही है। दूसरी तरफ भी दिखाना चाहिए, पहली तस्वीर है, दूसरी तरफ देखिए ये लोग नौजवान हैं, ये लोग भी आए हुए, पीछे की लाइन लगी हुई है, यहाँ भी लोग लाइन लगा के बैठ चुके हैं, सबको इंतजार है कि खिचड़ी अब पके और खिचड़ी मिले। आप लोग खिचड़ी खाने के लिए आए हुए हैं? हाँ जी सर। कैसी कैसी खिचड़ी है ये? ये देख के बताएंगे कैसी खिचड़ी है। चुनावी खिचड़ी है ये? चुनावी खिचड़ी है, मजा आया खाती, मजा आया खाती। ये नरेंद्र मोदी जी का तस्वीर लेके आप घूम रहे हैं? हाँ जी, ले घूम रहे हैं, फैन हूँ बहुत तगड़ा। लगता है आएंगे नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, जरूर आएंगे। देश के लिए इतना करा है तो चाचा खिचड़ी खाने आए? बिल्कुल आए। कब तक कितना इंतजार होगा? बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, खाई लेंगे। खाई लेंगे? हाँ। तो नरेंद्र मोदी की खिचड़ी है? हाँ बिल्कुल है। सरकार आएगी 2019? बिल्कुल आएगी। आएगी? आएगी। तो खिचड़ी के नाम पर आप देखिए तमाम लोग हैं जो खिचड़ी खाने के लिए लगातार लाइन है। ये बच्चे हैं, नौजवान हैं, सब क्लास के लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि खिचड़ी पके। खिचड़ी खाने आप लोग आए हैं? खिचड़ी बहुत बढ़िया पक रही है। होगा खिचड़ी का मैसेज क्या है? मैसेज ये है सब लोग मिलकर खाएंगे खिचड़ी, सब लोग खाएंगे। क्या खिचड़ी खाएंगे और नरेंद्र मोदी को जिताएंगे? हाँ जी जिताएंगे, 100% जिताएंगे, पूरे देश में जिताएंगे, पूरे देश में। आप लोग क्या संकल्प लेकर जाएंगे यहाँ से खिचड़ी खाकर? संकल्प यही है जी, 2019 के चुनाव दोबारा बीजेपी को लाएंगे, मोदी जी को लाएंगे। 2019 में हम चाहते हैं कि खिचड़ी और यहाँ पर सब दलित भाई इकट्ठा हुए हैं, चाहते हैं कि और लोग यहाँ, लोग झूठ भी, कई लोग बोले कि वोट बैंक छूट रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ समरसता का खिचड़ी है और चाहते हैं कि हम लोग इकट्ठा हो और आगे फिर 2019 में मोदी जी को लाएं। सर देखा ये संकल्प है लोगों का, तमाम जगहों से नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, हर क्लास के लोग यहाँ पहुंचे हैं और SC मोर्चा जो है दिल्ली का उसने ये कार्यक्रम रखा है बीजेपी का और तमाम जगहों से कहा जा रहा है कि लगभग 25,000 लोगों को एक साथ खिचड़ी खिलाई जाएगी और 50,000 लोगों के खाने की व्यवस्था यहाँ की गई है। त्रिपाठी मीडिया दिल्ली। और देखिए आपने सियासी खिचड़ी की किस तरीके की तैयारी की गई, लोग पंक्ति में बैठ के, कतार में बैठ के खा रहे हैं। रामलीला मैदान दिल्ली की तस्वीरें आप देख पा रहे थे। रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए भी, संवाददाता रवि, निश्चित रूप से सियासी समरसता का एक मैसेज देने की कोशिश जरूर की जा रही हो या सामाजिक समरसता का मैसेज देने की कोशिश जरूर की जा रही हो, लेकिन फूड फॉर लाइफ तो है, खाना मिल रहा है, लोगों का पेट तो भर रहा है। समाज की मुख्य धारा से दूर नहीं रखा जा सकता, उनको नजरअंदाज नहीं कर सकता, चाहे कोई सा भी वर्ग हो, सभी वर्ग को कहा जा सकता है कि बीजेपी की खिचड़ी अब बीरबल की खिचड़ी बनती दिख रही है। अभी भी देखिए वो खिचड़ी बन भी रही है, आपके सामने वो तस्वीर है, इसे बीरबल की खिचड़ी कहेंगे तो गलत नहीं होगा क्योंकि लगभग 9 बजे से खिचड़ी बन रही है और लोग एक एक करके इंतजार कर धीरे धीरे वापस भी लौटने लगे क्योंकि लोगों को देर हो रही है। सुबह 9-10 बजे 11 बजे से लोग यहाँ आ गए थे लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि खिचड़ी लगभग बनकर तैयार है और थोड़ी देर में ये कहा भी गया है, मंच से अनाउंस किया गया है कि जैसे ही थावरचंद गहलोत जो सामाजिक न्याय मंत्री हैं उनका भाषण बंद होगा उसके बाद से खिचड़ी परोसना शुरू किया जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि ये खिचड़ी सियासी है क्योंकि 2019 चुनाव से पहले दलित जो समुदाय के लोग हैं उनको टारगेट करने के लिए खिचड़ी बनाई गई है और ये कार्यक्रम बुलाया गया है चूंकि ये अनुसूचित जो जाति मोर्चा है उसकी तरफ से ये कार्यक्रम है और वो कार्यक्रम में तमाम दलित समुदाय के लोगों को, दिल्ली भर के लोगों को बुलाया गया है और खिचड़ी खिलाकर उनको ये संकल्प दिलाना है कि आप नरेंद्र मोदी को ही वोट करें, 2019 सरकार बनाए। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक कार्यक्रम है ये और राजनीतिक कार्यक्रम में खिचड़ी के माध्यम से लोगों को चाहे चावल दाल नमक सब चीजों को एक साथ संजो कर समरसता लाने की बात की जाती है। जैसे समाज में तमाम कास्ट के लोग होते हैं वैसे ही तमाम चीजें मिलकर खिचड़ी बनती है तो इनको समरस बनाकर एक साथ रखने की जो सरकार पॉलिसी है। ठीक है, ठीक है, एक 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 तो एक सवाल और भी वहां पर, चूंकि तमाम नेता और जुड़ रहे हैं, दिल्ली बीजेपी की जो इकाई है उससे, उसकी तरफ से तो तमाम नेता ही है, जो मोर्चा है उसके भी नेता है, क्या राष्ट्रीय स्तर के भी बीजेपी के नेता हैं जो दलित समुदाय से आते हैं या जो दलितों का प्रतिनिधित्व करते हैं वो भी पहुंचे हैं और कितने लोगों की एक संख्या का गणना किया गया है बीजेपी की तरफ से कम इतने लोगों को तो खिचड़ी आज खिलाएंगे एक आकलन? अभिवादन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप यहां से जाकर के अम्बेडकर जी के सपने को साकार करने के लिए नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की जो योजना, शायद
उन तक आवाज पहुंच नहीं रही है। हमारे सहयोगी यहां पर मौजूद हैं रामलीला ग्राउंड पर, वहां पर मंच बना हुआ है और मंच से जैसा उन्होंने कहा कि थावरचंद गहलोत बोल रहे हैं और जाहिर तौर पर आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, लाउडस्पीकर्स लगे हुए हैं, इस वजह से शायद उन तक आवाज सही तरीके से पहुंच नहीं पा रही है। कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की, रवि के पास जाने की, और निश्चित रूप से सियासी खिचड़ी है, तस्वीरें आप देख रहे हैं, जैसा रवि खुद बता रहे थे कि बीरबल की खिचड़ी होती जा रही है बीजेपी की, ये सियासी खिचड़ी, लोग कतार में खड़े हैं अपने इंतजार की लिए खड़े हैं कि शायद उनकी बारी आएगी, उन्हें भी मिलेगी खाने के लिए खिचड़ी, लेकिन शायद एक ही जगह पर यह व्यवस्था की गई है जहां पर मंच के करीब में खिचड़ी बनाई जा रही है। जो अनुसूचित जाति मोर्चा है बीजेपी का, उसकी तरफ से यह पूरा इंतजाम किया गया है सामाजिक समरसता का संदेश देने की भले कोशिश की जा रही हो, लेकिन निश्चित रूप से फोकस है 2019 का लोकसभा चुनाव, खासकर आरक्षित वोट बैंक जो है उस पर कैसे मजबूती के साथ में अपने पक्ष में उससे कैसे मोड़ा जाए, इसकी एक कोशिश तो निश्चित रूप से है, क्योंकि इससे पहले क्यों नहीं ऐसे आयोजन किए गए। अगर आपको खाना ही खिलाना है, अगर आपको लोगों का पेट ही भरना है, तो क्यों एक नाम देना। सामान्य तौर पर ऐसा आयोजन बीजेपी भी कर सकती है, क्यों एक विशेष मोर्चे की तरफ से ही ऐसा आयोजन, लेकिन निश्चित रूप से मंच की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि कैसे मनोज तिवारी, जो कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, सांसद भी हैं, और कोशिशें यही कि एक मैसेज दिया जा सके। रवि लगातार बने हुए हैं। रवि, सियासी खिचड़ी आपने इसका नाम दिया, और निश्चित रूप से जैसी तस्वीरें हैं वो वाकई में है, कितना बड़ा असर इसका आप देख सकते हैं सियासी गलियारों में? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं रामलीला ग्राउंड दिल्ली से और उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, उनके जरिए जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, इस वजह से जो अपडेट्स हैं वो नहीं मिल पा रही है। लेकिन निश्चित रूप से जो तस्वीरें रवि ने दिखाई, लगातार अलग अलग लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, खुद मनोज तिवारी बोल रहे थे कि नहीं, ये कोई सियासी खिचड़ी नहीं है, ये सामाजिक समरसता का संदेश देने वाली खिचड़ी है, लेकिन क्यों एन मौके पर ही ऐसा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रवि आपका। और